गाड़ी का एक बार हालत देखो आप लोग। मेरीन ड्राइव के पहले हम लोग थोड़ा आगे डॉक्टर ड्राइव खेलते खेलते रास्ता गलत करके बोल रहा था मेरीन ड्राइव। सो फाइनल चार दोस्त निकल गए, मैं भैया और पीछे दो दोस्त हैं। सो आज दीघा है हम लोग। हर बार तो दीघा आता है, कॉमन कॉमन चीज़ होता है सारा, क्योंकि वही जो चीज़ पहले भी मैंने वीडियो पे दिखाया, क्योंकि दीघा का मेरा दो तीन शायद ब्लॉग है, मैं बटन पर डाल दूंगा। लेकिन आज हम लोग कुछ नया देखने जा रहे हैं, जो कुछ ही दिन पहले ही उसका क्या बोलते हैं उद्घाटन हुआ है। सो आप लोग को भी पता है, आप लोग से बहुत सारे लोग गए भी होंगे, अगर गए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो अभी हम लोग चल रहे हैं मेरी ड्राइव की तरफ, लेकिन जो ट्रैफिक है मुझे लग नहीं रहा है हम आज आप पहुँच पाएंगे, कल पहुँचेंगे। आज भाई दीघा का हाल बहुत ख़राब है, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आज चारों तरफ से। एक बार आपको मैं कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ उस तरफ क्या हाल है। सो वीडियो की इधर से फिलहाल शुरू करते। सो हेलो एवरीवन, दिस शो बी कैन यू गाइस वाचिंग सम ब्लॉग्स। और आज का जो मेरी ड्राइव वाला ब्लॉग है ना, मजा आएगा, क्योंकि हम लोग को भी नया टाइम है, मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। बस फिलहाल अभी हम लोग आए हैं दीघा का पेट्रोल पंप पे, लेकिन उधर का हालत देखो भाई, मतलब गाड़ी कहाँ घुसा है और पेट्रोल कहाँ से ले। वही भाई, आज तो दीघा का हालत बहुत ख़राब है, मतलब तो ट्रैफिक ही शायद से इसलिए है। फिलहाल आप तो सीन देख ही पा रहे हो, हाँ उधर भी पेट्रोल ले रहा है, इसके बाद हम लोग का बारी आएगा। बस दीघा का पेट्रोल का प्राइस है कुछ 106 रुपये करके, और कुछ 2000 रुपीज़ का 80 लीटर समथिंग आया है। और बस अब निकल रहे हैं हम लोग, सो सीधा उधर चलते हैं, ओल्डी का भी बहुत जाम है, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। सो लेट्स गो। मेरीन ड्राइव के पहले हम लोग थोड़ा आगे डॉक्टर ड्राइव खेलते खेलते रास्ता गलत करके बोल रहा था मेरीन ड्राइव। ये मोहना का रोड है पूरा, अभी एक अच्छा जगह मिल गया तो उसमें अभी फ़ोटो खींचेंगे और आपको भी दिखाते कितना ब्यूटीफुल है। लेट्स सी। Don't care who you are or who you want to be. I'll be here. तो बस फाइनली धूप में फोटो शूट होने के बाद सबका हालत बिल्कुल ख़राब है। अब हम मस्त अंदर सब एसी ढूंढ रहे हैं कि एसी कहाँ है, एसी कहाँ है भाई, इतना गर्मी है ना बाहर, क्या बताऊँ मैं। एसी की ऐसे भूख चुकी थी बोले इट हैवी लग भाई साहब, हालत ख़राब हो जाएगा भाई, इतना गर्मी ना, मतलब हालत टाइट हो जाएगा। बोलो तो टेम्परेचर तो देखो देखिए अच्छा अच्छा। और हमने बहुत सारा फोटो खींचा, फोटो आएगा इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहते हो देखने के लिए सो यू कैन फॉलो मी देयर। बाकी अभी चलते हैं, जो चीज़ हम लोग आज देखने के लिए आए थे, अभी टाइम तो हम लोग के पास बहुत है, आज घूमेंगे आराम से। कौन तो बच गए रिपर सर 35 में ही अवस्था 40-40 हो भाप एगारो ठीक 35 का कम होना है पीछे तरह 35 कम मार। सो गाइस फिलहाल वो आ रहा है दीघा गेट, उसके ठीक बात ही अब अगर मतलब उस साइड से आ रहे हो कांथी वगैरह से आ रहे हो तो उसके ठीक बात ही मोहना के जो टर्न है ना उसके पहले लेफ्ट लेना,
ये देखो ये दीघा गेट दिख रहा है ना, हम लोग गलती कर लिया था। हाँ, और बाईपास के ठीक उल्टा, मतलब जब आप उस साइड से ओडिशा वगैरह से आ रहे हो तो बाईपास जो रोड है उसके सिर्फ अपोजिट साइड में एक रोड गया। और ये देखो गेट है, गेट के सिर्फ बाद ही लेफ्ट में एक रोड बना हुआ है, ये जाता है सीधा मेरिन ड्राइव को। हम लोग गलती से फिर अभी कुछ ही देर पहले मेरिन मतलब मोहना की तरफ ले लेता है, लेकिन फिर हम लोग ने पूछा तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब बिल्कुल दीघा गेट उसके बाद ही लेफ्ट में टर्न है अगर आप कॉन्टेक्ट से आ रहे हो तो। दर्शन अभी चलते उधर पे चल के देखते हैं। सामने हम अभी देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एक ओवरब्रिज, और आपको दिखाते हैं फटाक से। भाई क्या लग रहा है, एक नंबर। तो कैमरा को फ्लिप करते हैं और आपको मैं जल्दी से जल्दी दिखाता हूँ कि क्या सीन दिख रहा है। फाइनली अभी हम लोग पहुंच ही गए, लग रहा है इतना कि बस पहुंच ही गए। लेकिन ये ताजपुर का बोर्ड क्यों दिखा रहे हैं नहीं, तो सीधे जाके पूछते हैं। এখনো আছে সামনে এরকমই রাস্তা নয়, সেটা নদীর মধ্যে গেছে, সমুদ্রের মধ্যে গেছে। সেই দূরের টাই যে সরে যেটা সমুদ্রের মধ্যে আছে না, সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি মে বি জুম করকে দেখা রো দেখো ও যে দূর পে দিখ রহা হ্যায় অ্যাকচুয়ালি ও হি মেরিন ড্রাইভ হ্যায় এই দেখো দূর কা জো লেয়ার দিখ রহা হ্যায় না। तो अभी हम लोग बहुत इधर पे हैं, सो अभी उधर पे पहुँचते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको। बाकी रोड ही नया नया बन रहा है इसलिए थोड़ा कच्चा पक्का रोड मिल सकता है आपको, अनइवन रोड। मेक श्योर आप आराम से राइड करो या फिर ड्राइव करो, कुछ भी कर रहे हो। बाकी बारिश की वजह से हो रहा है शायद से, नहीं तो जो रोड है ये कीचड़ वगैरह नहीं मिलता आपको। तो गाइस गाड़ी का पूरा हालत खराब हो गया, और पीछे सुब्रत कुछ बोल रहा था गाड़ी का क्या हो गया। भाई क्या रोड है यार, मतलब बहुत ही खराब रोड है। अभी बन रहा है इसलिए जो एसयूवी वगैरह है उसमें लिए सही है, लेकिन कीचड़ तो होना ही है भाई साहब। फिर से एक यार पूरा लेप ले, एक जगह ऊपर रहेगा और हम लोग गाड़ी से उतरेंगे उसके बाद आपको कार दिखाएंगे उसका हालत क्या है भाई, पूरा खत्म। सामने वाला जो कार है वो अभी अटक गया, उसको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, और लोग अभी रुका है सामने, इन फिट चला इस चला इवर हम
डेव वन है गाड़ी का एक बार हालत देखो आप लोग, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया, इस साइड भी पूरा कीचड़ हो गया, हुलिया ही बदल गया गाड़ी का। सो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए, उसी दिन वापस आ गए थे और आज मैं जा रहा हूँ कार को वॉश करवाने, क्योंकि इसका हालत जो है ना भाई बहुत ही खराब हो गया है। बाहर से तो थोड़ा हमने साफ कर लिया, लेकिन अंदर का जो सीन है ना, अंदर तो पूरा नीचे से है ना जो कीचड़ है उसकी वजह से। सो अभी जा रहे हैं हम, मैं और एक दोस्त हूँ, अभी हम दोनों जा रहे हैं कार को साफ़ करवाने, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है ना, वो जो कीचड़ है ना उसमें आपका जो बॉडी है, मतलब कार का जो बॉडी, उसमें रस्ट आ सकता है। सो एक दो सौ रुपये का ही बात है, साफ़ करवा लेंगे वही अच्छा है, नहीं तो बड़ा फटका लग भी सकता है। बाकी बाहर से दिखा लेंगे। और जो बात मैं बताने वाला था कि आप लोग अभी मेरी डेरी मत ही जाओ, क्योंकि उसमें है क्या बात है ना, जो रास्ता है ना पहले का कुछ ही किलोमीटर्स जो है वो अच्छा है, और बाकी का रास्ता पूरा बेकार था भाई, पूरा बेकार। मतलब ऑफ रोड जो जिसमें जिनको ऑफ रोड में इंटरेस्ट है, अरे भाई जिनको ऑफ रोड में इंटरेस्ट है वो जा सकता है भाई, अभी हो जाता है, अभी सीन हो जाता है। और जिसको ऑफ रोड में अभी नहीं इंटरेस्ट है सो मत जाओ, क्योंकि एक तो बारिश कभी भी हो सकता है ना, तो बारिश की वजह से वो रास्ता जो है ना पूरा, मतलब एक तो रास्ता अप एंड डाउन है, उसमें बारिश का पानी जा गया ना पूरा कीचड़ कीचड़। एक का तो भाई आपने देखा ही होगा वीडियो में, उसका पूरा बीआरबी था, बीआरबी का पूरा राइट लेफ्ट का सामने का लेफ्ट वाला जो ये है ना, मतलब व्हील है पूरा दब चुका था, तो हम लोग ने हेल्प किया। आई होप आप लोग ने वो वाला सीन वीडियो में देखा होगा। और ये टोटो कहीं भी घुस जाता है यार, मतलब घुसाने का मौका छोड़ता नहीं है ये लोग। बाकी अभी स्कूल टाइम है इसलिए थोड़ा ट्रैफिक है, लेट्स सी। हम तो अंदर से निकल के आ गए, अभी हम बाहर का रोड में ही है। और बाकी मेरी इंडिया अभी मत ही जाओ, मेरे मतलब मुझे पर्सनली सजेस्ट करना तो अभी मत जाओ, थोड़ा एक साल रुक जाओ, सब कुछ रास्ता रास्ता हो जाए, उसके बाद उसका असली मजा आएगा। लेकिन सच बताओ तो मुझे लगा था मेरी इंडिया का मतलब मैं कहाँ कहीं पे भी तो देखा था, देख के भैया लोग को बोल के ले गया था कि एक समुंदर के अंदर थोड़ा बहुत थोड़ा सा रास्ता चला गया, उसमें बहुत अच्छा फोटो भी आया, मैंने किसी का देखा था, कहाँ देखा था वो याद नहीं, मुझे लगा वही दिखा गया है। बाकी आज बहुत गर्मी है भाई साहब, बहुत गर्मी है। सो यही था, और ज़्यादा कुछ मैंने शूट किया ऐसे वीडियो बनाने का मुझे मन नहीं, जैसे मेरिन ड्राइव नया जगह था इसलिए मैंने ये वाला ब्लॉग शूट किया था, तो मैंने सोचा शूट ही किया तो इसको क्यों नहीं शेयर करते आप लोग के साथ, जो भी हो जैसा भी होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीन रॉ फुटेज ही है समझ लो, क्योंकि मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया था, थोड़ा बहुत ही किया था, उसके हिसाब से मैं डाल दे रहा हूँ। आप कैसा लगा वो आपके ऊपर है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है,
सो यू गाइस नो दैट रियली इफ यू लाइक माय वीडियो देन डू कमेंट शेयर विद फ्रेंड्स एंड अदर्स कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। अभी फिलहाल हम दोनों चलते हैं ये गर्मी को झेल के। अभी अंदर बैठे तो सही है फिर भी गर्मी लग रहा है, लेकिन बाहर जाके जब वॉश करवाएंगे तब हालत खराब हो जाएगा भाई। तो जो भी है करवाना पड़ेगा, उसका भी छोटा सीन में डाल दूंगा कि क्या हालत हुआ था गाड़ी का। तो बाकी मिलते हैं सीधा आपको उधर जाके।